हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विलियन चैप्टर का एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान एवं भांट हॉफ गुणक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। इसको समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, विलियन चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि अनुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं और उन अनुसंघ के गुणधर्म की मदद से हम लोग विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते थे। ठीक है, तो वो जो हम लोग विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालते थे वो किस चीज़ पर निर्भर करता था, वो मोल पर निर्भर करता था। ठीक है, क्योंकि जितने भी अनुसंघ के गुणधर्म हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो मोल की संख्या पर निर्भर करते थे, अणु की संख्या पर निर्भर करते थे। तो हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम मॉलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान निकाल सकते थे, किसके, विलेय के। तो वो जो हमारा मॉलिकुलर मास आता था उस मॉलिकुलर मास को हम अनुमानित मॉलिकुलर मास या अनुमानित मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, अनुमानित मोलर द्रव्यमान वो मोलर द्रव्यमान है जो हम अनुमान लगाते हैं कि हमें अनुसंघ के गुणधर्म से वो मोलर द्रव्यमान का मान आएगा, वो वैल्यू आएगी। या इसे हम लोग सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल अगर हम कहें तो थ्योरी के अनुसार हम यही जानते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके द्वारा जो आणविक द्रव्यमान का मान निकल करके आएगा वो मोल्स की संख्या पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक मोल डाला या दो मोल डाला तो उस अनुसार हम मॉलिक्यूलर मास क्या करते थे, उसकी गणना करते थे। लेकिन यहाँ पर एक नया कंडीशन आ रहा है, कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं, कुछ विलेय ऐसे होते हैं जिसे जब हम क्या करते हैं विलयन में डालते हैं यानी कि विलायक में मिलाते हैं तो वो विलेय दो चीज़ कर सकते हैं, या तो वो एसोसिएट करते हैं या तो डिसोसिएट करते हैं। समझिएगा इन चीज़ों को, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन कहने का मतलब अगर हमने दो मोल्स डाला विलायक में वो दोनों मिलकर एक मोल हो गए, और यदि हमने एक मोल डाला तो वो दोनों टूटकर दो मोल हो गए। तो हमने अनुमान क्या लगाया था, हमने अनुमान ये लगाया कि हमने एक मोल डाला, एक मोल हमने क्या डाला, विलेय डाला, तो उसके अनुसार हमें अनुसंघ के गुणधर्म आना चाहिए, उसके अनुसार हमें आणविक द्रव्यमान आना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो पता चला कि हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो एक मोल मानकर डाला था वो अब एक मोल नहीं दो मोल हो चुके हैं, तो हमें दो मोल की तुलना में क्या आ रहा है, नया मोलर द्रव्यमान आ रहा है, एक मोल की तुलना में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो सोचा, जो सैद्धांतिक रूप से सोचा, जो हम लोगों ने अनुमानित था हम लोगों का, उससे क्या हो गया कि रिजल्ट जो है वो नया आया, नया मॉलिक्यूलर मास आया, नया द्रव्यमान आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक डिफरेंस पैदा हो गया जो हमने सोचा और जो प्रैक्टिकली हमें मिला। और ये किस कारण हो रहा है, तो ये दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो एसोसिएशन के कारण, दूसरे डिसोसिएशन के कारण। या तो एक अणु दो में टूट जाए या दो अणु मिलकर एक हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान का परिभाषा लिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। तो अब यहाँ से हमें चीज़ों को क्लियर करना है। देखिए, आणविक असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, तो ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक हो जाए, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। सिंपल सी बात समझना है कि देखिए, अनुमानित या सैद्धांतिक या परिकलित, ठीक है, अनुमानित या सैद्धांतिक या परिकलित जो मोलर द्रव्यमान है वो कौन से हैं, वो मोलर द्रव्यमान है जो हमें अनुसंघ के गुणधर्म से जो हम लोगों ने निकाला था, जो हम लोगों ने अनुसंघ के गुणधर्म से कैलकुलेट किया है मोलर द्रव्यमान, है ना, विलेय के मोल के अनुसार, उसे हम लोग सैद्धांतिक, अनुमानित या परिकलित क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। कहने का मतलब अगर हमारे पास 5 मोल है विलेय के, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमें क्या होगा कि 5 मोल के अनुसार ही नया गुणधर्म आएगा या नया मोलर द्रव्यमान मिलेगा। लेकिन हमें मिला कुछ और, हमें 5 नहीं, हमें 10 के अनुसार मिला, 10 मोल के अनुसार हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंघ के गुणधर्म देखने को मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या है? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान वो है जो हमें कब पता चला, प्रैक्टिकली पता चला, जब हम लोगों ने प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि एक नया मोलर द्रव्यमान हमें मिल रहा है, वो प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व्ड मोलर द्रव्यमान है। समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास क्या है, इस तरह का एक बीकर है, इसमें हमने क्या कर दिया, दो मोल हमने क्या कर दिए, दो मोल विलेय हमने इसमें डाला। तो हम जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे हैं, अनुसंख्य गुणधर्म का, चाहे वो कोई भी हो, तो हम ये अपेक्षा कर रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस दो मोल के अनुसार ही हमें वो प्रॉपर्टी दिखना चाहिए, क्योंकि अनुसंख्य गुणधर्म विलेय के मोल पर निर्भर करता है। लेकिन हमें कुछ और देखने को मिला। हमें क्या देखने को मिला, हमने दो मोल लिया था, है ना, तो पहले हमें तो दो मोल के अनुसार हमें आना चाहिए था रिजल्ट, मोलिकुलर मास वो इसके अनुसार आना चाहिए था, जिसे हम लोग सैद्धांतिक अनुमानित या परिकलित मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्व हुआ, जो प्रैक्टिकली हमें पता चला, वो कुछ और आया, वो चार मोल के अनुसार, हमें जो रिजल्ट आया वो चार मोल के अनुसार आया। कितने मोल के अनुसार आया, चार मोल के अनुसार। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि हमने इसमें दो मोल डाला तो ये कितने में बदल गया, ये चार मोल में बदल गया। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो चार मोल के अनुसार मिल रहा है ना, क्योंकि विलेय के मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनुसंख्य गुणधर्म। तो हम जब इसकी गणना कर रहे हैं तो हमें अब चार मोल के अनुसार रिजल्ट मिल रहा है, दो मोल के अनुसार नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो ऑब्जर्व्ड यहाँ पर मोलिकुलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, वो चार मोल की तुलना में है, वो दो मोल की तुलना में नहीं आया। तो ये हमारा क्या था, सामान्य मोलर द्रव्यमान जो हम मानकर चल रहे थे, और ये क्या है, असामान्य मोलर मास है। समझ में आ गया ये चीज़। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या है, तो देखिए, मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक हो जाए। कम कब हो जाएगा, दो कंडीशन है इसमें, देखिए, एक तो होता है वियोजन, एक होता है वियोजन और एक होता है संगुणन। वियोजन और संगुणन, इन दोनों चीज़ों को समझना है। वियोजन में क्या होता है कि अगर हमने एक मोल डाला तो वो टूट के दो मोल हो गया, है ना, वो टूट कर कितने मोल हो गए, दो मोल हो गए। संगुणन होता है अगर हमने दो मोल डाला तो ये टूट के एक मोल हो गए। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर दो मोल डाला था, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वियोजन हो रहा है, तो ये कितने हो गए, चार मोल हो गए। तो हम सोचकर चल रहे थे कि हमें जो अनुसंख्य गुणधर्म मिलने वाला है, यानी मोलिकुलर मास जो हमको कैलकुलेट होगा, वो इस दो मोल के अनुसार होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें चार मोल के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया, ठीक है। तो हम जो मान कर चल रहे थे और जो आया उसमें अंतर हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, अगर हमने इसमें दो मोल डाला और ये एक मोल में बदल गया, तो हम मान कर चल रहे थे कि हमें दो मोल के अनुसार मोलर मास आना चाहिए, अनुसंख्य गुणधर्म आना चाहिए, लेकिन हमें आ रहा है एक मोल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर घट गया, ठीक है। यहाँ पर जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। समझना है, अगर दो से वो एक हो रहा है, दो छोटा छोटा चीज़ मिल के बड़ा हो रहा है, वो बड़ा बन रहा है, एक बन रहा है, तो मोलर द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। मोल की संख्या घट गई, है ना, मोल की संख्या, विलेय का मोल क्या हो गया, घट गया, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म में क्या हो गया, घट गया, लेकिन मोलिकुलर मास, नया जो यहाँ पर प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दो चीज़ मिलके अब क्या हो गया है, एक हो गया है, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, तो मोलर द्रव्यमान जो है वो बताइए क्या होगा, मोलर द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। यानी वियोजन के केस में देखिए, अगर वियोजन हो रहा होगा तो इस परिस्थिति में क्या होगा, और संगुणन हो रहा होगा तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा होगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बना कर देता हूँ। देखिए, जब वियोजन होगा और जब क्या होगा, संगुणन होगा, तो वियोजन के केस में क्या होगा, देखिए, तो वियोजन के केस में एक मोल से कितने मोल बन गए, दो मोल बन गए, तो यहाँ पर मोल की संख्या क्या हो गई, मोल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, मोल की संख्या बढ़ गई। अब मोल का संख्या बढ़ जाएगा तो अनुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाएगा,
लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जो मोलर मास है ना, जो मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन में क्या आ रहा है, 1 से 2 मोल बन रहे हैं, है ना। ये बड़ा मॉलिक्यूल था हमारे पास, इसमें ज़्यादा एटम था, तो इसका आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ज़्यादा आ रहा था, लेकिन ये अब टूट गया तो मोल की संख्या तो बढ़ गई, है ना, 1 से 2 हो गया, ठीक है। मोल की संख्या जब बढ़ गई तो अनुसंख्य गुणधर्म भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये छोटे छोटे में क्या हो गया है, बदल गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, तो मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म और मोल की संख्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर द्रव्यमान के, व्युत्क्रमानुपाती है मोलर द्रव्यमान के। एक एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास है NaCl, हमने 1 मोल NaCl लिया, उसको हमने क्या किया, उसका विलयन बनाया, तो ये टूट गया Na प्लस में और Cl माइनस में, तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो मोल हमने 1 लिया था, लेकिन मोल यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 2 मोल हो गए, तो 1 मोल से 2 मोल हो गया, तो मोल की संख्या बढ़ गई, अनुसंघ के गुणधर्म भी बढ़ जाएगा, लेकिन मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा। खुद समझिए, ये Na है, यहाँ पर सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 ये भी इस NaCl से कम है, इस दोनों को जोड़ कर कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए इस दोनों को, तो 538 और 325 58.5। अब देखिए इसका 58.5 था, लेकिन इसका देखिए 23 है, इसका 35.5 है, यानी इस दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर मास है, अलग अलग, अब तो अलग अलग बात करेंगे ना, क्योंकि अलग अलग हो गए, तो इस दोनों के ही मॉलिक्यूलर मास इससे क्या है, कम है। समझ में आ गया, तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। संघूनन की यदि हम बात करें, तो संघूनन में क्या हो रहा है कि अगर हम कोई चीज़ को इसमें डालते हैं, अगर 4 मोल डालते हैं तो वो आपस में मिलके 2 मोल में बदल गए, यानी यहाँ पर मोल की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पर मोल की संख्या जो है वो घट जाती है, मोल की संख्या कम हो जाती है, और यदि मोल की संख्या कम हो गई तो अनुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो जाएगा बताइए, अनुसंख्य गुणधर्म भी जो है वो घट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ मिलकर 1 हो गए। एग्जांपल के रूप में चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए CH3COOH, ये एक एसिटिक एसिड है, इसके 2 मोल हमने लिए एसिटिक एसिड, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इसका विलयन तैयार कर रहे हैं, इसको बेंजीन में डाल रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं, बेंजीन में डाल रहे हैं, तो पता चला कि ये दोनों मिलकर 1 मोल हो गए, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 1 मोल हो गए, ठीक है, ये दोनों मिलकर 1 मोल हो गए, तो पहले 2 मोल था, अब 1 मोल हो गया। तो देखिए कहने का मतलब, ये 2 छोटे-छोटे चीज़ है, इसका मोलिकुलर मास, मोलर द्रव्यमान अलग है, इसका मोलर द्रव्यमान अलग है, इस दोनों को ही आप मिला दीजिए, तो अब भले ही ये एक ही है, लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान अब क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसमें अणु की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों ही केस में, चाहे वियोजन हो चाहे संघूनन हो, हम लोग जो अनुमान लगाकर चल रहे थे कि हमारा सैद्धांतिक या अनुमानित या परिकलित मोलर द्रव्यमान जो होना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कभी क्या हो रहा है कि मोल की संख्या बढ़ जा रही है, कभी क्या हो जा रहा है कि मोल की संख्या घट जा रही है। तो हमें जो नया जो मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो हमें इसी संघूनन और वियोजन की तुलना में मिलेगा, इसी के अनुसार मिलेगा, है ना। 2 से 1 मोल हो रहा है तो हमें 1 मोल के तुलना में हमें नया मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, यहाँ 2 से 1 से 2 हो रहा है तो यहाँ 2 मोल की तुलना में मिलेगा, 1 मोल की तुलना में नहीं मिलेगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास हम किसे बोलेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब है कि जो हमने अनुमान लगाया सामान्य मोलर द्रव्यमान, और जो हमें आया, ठीक है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, तो उस दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। समझ में आ गया ये चीज़ आपको। तो देखिए, तो हमने क्या लिखा था, ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक आए। कब कम आएगा, कब अधिक आएगा, आपको समझ में आ गया,
कम कब आएगा? जब वियोजन होगा, ठीक है। और अधिक कब आएगा? जब क्या होगा? संगुणन होगा, ठीक है। जो हमारा अनुमानित मान है वो तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम एक मोल हमारे पास शुरू में था, तो हम एक मान की तुलना में ही लेकर चल रहे हैं, या दो मान के चलिए कि हमारे पास दो मोल है, तो इस दो मोल के अनुसार हम क्या करेंगे, अपना अनुमानित जो हमारा है मोलर मास वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया वो मोलर मास, अब पता चला कि हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो उससे या तो अधिक आ रहा है। अधिक कब आएगा? जब ये दो जो है कितने हो जाएंगे? चार मोल हो जाएंगे। और हमें कम आ रहा है, कम कब आएगा? जब ये दो कितने हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, यानी जब वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए तो हमें इस एक की तुलना में क्या होगा कि नया मोलर मास आएगा। और यहाँ पर चार की तुलना में हमें नया मोलर मास आएगा, हमें इस दो की तुलना में नहीं आएगा। तो इस मोलर मास में और इस मोलर मास में अंतर आ गया, इस मोलर मास में और इस मोलर मास में अंतर आ गया। इसी अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। बोलिए, ये बात आपको 100% समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई एसोसिएशन की और डिसोसिएशन की, अब आगे चलते हैं। तो संगुणन का मतलब आपको समझ में आ गया, एसोसिएशन का मतलब समझ में आ गया कि अगर चार डाला तो वो दो हो गए, अगर छः डाला तो वो तीन हो गए, अगर दो डाला तो वो एक हो गए, ठीक है। तो इस परिस्थिति में हम बोल सकते हैं कि इस परिस्थिति में मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, जो हमारा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा बताइए, वो क्या हो जाएगा बताइए। तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो है वो कम हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, किससे किससे ज़्यादा हो जाएगा? जो हमने अनुमान लगाया था, अनुमानित मोलर द्रव्यमान से, मोलर द्रव्यमान से। कहने का मतलब हमने कितना मोल लिया था? हमने दो मोल लिया था, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में दो मोल लिया, इस दो मोल से हमने अनुमान लगाया, ठीक है, इस दो मोल से हमने अनुमान लगाया, तो हमारा एक मोलर द्रव्यमान आया जिसे हमने क्या कहा? अनुमानित मोलर द्रव्यमान, ठीक है। लेकिन पता चला कि नहीं, ये दो मिलकर जो है वो एक हो गए हैं, तो अब जो हमारा जो आया रिजल्ट जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो बताइए, इस पहले वाले केस में मोल की संख्या अधिक थी, ठीक है, मोल की संख्या अधिक थी तो अनुसंख्य गुणधर्म भी अधिक था, तो उस समय जो हमको मोलर द्रव्यमान आ रहा था वो अनुमानित मोलर द्रव्यमान था। अब ये दोनों मिलकर एक हो गए तो मोल की संख्या क्या हो गई? घट गई। अनुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो गया? घट गया। लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? ये बढ़ गया, क्योंकि दो मिलकर एक हो गए, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान अधिक होंगे अनुमानित मोलर द्रव्यमान से। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों मिलकर एक हो क्यों गए, है ना, क्योंकि बहुत सारा, देखिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें से एक मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे मैंने आपको CH3COH वाला बताया था, तो ज़रा सा ये बता देता हूँ, ये देखिए CH3COOH, ठीक है, ये एक मोल हो गया, दूसरा मोल भी ले लेते हैं हम यहाँ पर CH3, ठीक है, C O डबल बॉन्ड O और ये H। देखिए ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये एक मोल और ये एक मोल, दो मोल है हमारे पास। अब ये दोनों मोल जो है मिलकर एक हो जाएंगे, एक मोल में बदल जाएंगे, कैसे? तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जिसके कारण ये अब कितने हो गए? एक हो गए। तो अब खुद सोच सकते हैं कि इसमें जो मोलर द्रव्यमान है वो अधिक आएगा, क्योंकि अब बहुत सारे जो है क्या हो गए हैं, एटम की संख्या क्या हो गई है? बहुत बढ़ गई है, तो मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हमारा जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान आएगा वो अनुमानित मोलर द्रव्यमान से अधिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस परिस्थिति में, संगुणन की परिस्थिति में क्या होता है कि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है? वो अधिक हो जाता है, यानी मोलर द्रव्यमान असामान्य से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरा केस मैंने आपको बताया किस चीज़ का? तो डिसोसिएशन का, यानी कि वियोजन का। दूसरा केस मैंने आपको वियोजन का बताया, यानी कि डिसोसिएशन का बताया। इस केस में भी देख लेते हैं, इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वो क्या होगा?
वो कम हो जाएगा किससे, अनुमानित मोलर द्रव्यमान से, अनुमानित मोलर द्रव्यमान से। अब ऐसा क्यों होगा, जरा ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमने क्या किया था, हमने दो मोल डाला, दो मोल हमने डाला, तो इस दो मोल की तुलना में हमें जो अनुसंघ के गुणधर्म मिलेंगे, हमें जो आणविक द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान मिलेगा वो कैसा होगा, अनुमानित होगा, अनुमानित, ठीक है, अनुमानित द्रव्यमान, अनुमानित मोलर द्रव्यमान हमें मिलेगा। हमने दो मोल लिया, इसकी तुलना में हमें, हम सोच रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, दो मोल की तुलना में हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन ये जब क्या हुए, ये जब विलायक के साथ मिले तो ये कितने हो गए, ये चार मोल हो गए, कितने हो गए, चार मोल हो गए, तो दो मोल से चार मोल हो गया। अब जो हमें नया द्रव्यमान मिलेगा वो हमें चार मोल की तुलना में मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी जस्ट आपको लिखा था, जैसे KCl है हमारे पास, ये टूट जाएगा K प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान है ये एक मोल है, ये भी एक मोल है और ये भी एक मोल है, तो मोल की संख्या हमने एक ली थी, तो मोल की संख्या तो बढ़ गया, अनुसंघ का गुणधर्म भी बढ़ गया, लेकिन मोलर मास आणविक द्रव्यमान दोनों ही केस में क्या हो गया, कम हो गया। न तो इसका मोलर मास इसके बराबर है, इससे ज़्यादा है, न तो इसका इससे ज़्यादा है, दोनों का कम ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अनुमानित मोलर द्रव्यमान अधिक हो गया प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान से। तो ये कब होगा, तो वियोजन की स्थिति में ऐसा ही होगा, डिसोसिएशन होगा। तो आपको मैंने बताया संगुणन और वियोजन की परिस्थिति में कब मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है, कब मोलर द्रव्यमान घट जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं भांट हॉफ गुणक, क्या देखते हैं, भांट हॉफ गुणक देखते हैं। चलिए भांट हॉफ गुणक, ये भांट हॉफ गुणक क्या है, तो यही जो है वो चीज़ है जो हमें रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा किन चीज़ों में, सामान्य और असामान्य मोलर मास में, सामान्य और असामान्य मोलर मास में। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा अनुमानित, जो हम मान कर चल रहे थे उस मोलर द्रव्यमान में, और वियोजन और संगुणन के कारण जो नया मोलर द्रव्यमान आया, उस दोनों के अंतर को बताएगा। तो देखिए भांट हॉफ गुणक को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके कुछ फॉर्मूला आपको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए आई इज इक्वल टू भांट हॉफ गुणक, ये भी हो सकता है, ठीक है, जो हम लोग सामान्य मोलर द्रव्यमान जो हमको निकल कर आता, ठीक है, सामान्य मोलर द्रव्यमान, ये सामान्य मोलर द्रव्यमान कब निकल कर आता, जब ना तो संगुणन होता ना तो वियोजन होता, उस परिस्थिति में हमें जो मोलर द्रव्यमान निकल कर आता वो अनुसंघ गुणधर्म से जो निकाला हुआ मोलर मास होता उसके बराबर होता। लेकिन यहाँ पता चला कि क्या हो गया, संगुणन हो गया या वियोजन हो गया, तो एक नया मोलर मास आया, वो मोलर मास या तो बढ़ गया या तो घट गया, कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था असामान्य मोलर द्रव्यमान का परिभाषा, असामान्य मोलर द्रव्यमान वह द्रव्यमान है जो संगुणन या वियोजन के बाद हमें एक नया रिजल्ट देता है, वो है। यानी इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रेक्षित, ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं, प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म, प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म, और बटे में हम लिख सकते हैं अनुमानित या परिकलित अनुमानित अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन आपको समझ में आया, देखिए एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, आप पहले इस रिलेशन को देखिए तब आपको वो रिलेशन और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, प्रेक्षित अनुसंघ के गुणधर्म, प्रेक्षित अनुसंघ के गुणधर्म, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुमानित। अनुमानित कहने का मतलब जो पहले से था, ठीक है, इसको ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं और ये पहले से था। अब बताइए कि प्रेक्षित ऊपर में क्या है, यहाँ पर प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म है, यहाँ पर अनुमानित अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। प्रेक्षित और अनुमानित में देखिए क्या अंतर है। तो हम लोग खुद अभी देखे थे, क्या देखे थे कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है, जो नया अनुसंख्य गुणधर्म आता था, जो मोलर द्रव्यमान के क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर अनुमानित अनुसंख्य गुणधर्म नीचे में है, तो यहाँ पर जो है असामान्य मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, और यहाँ पर प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म है तो यहाँ पर सामान्य मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये रिलेशन, समझ में आया। अब इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, एक और सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि संगुणन, ठीक है, संगुणन या वियोजन के बाद, संगुणन या वियोजन के बाद मोल की संख्या, मोल की संख्या, ठीक है, संगुणन या वियोजन के बाद जो है मोल की संख्या। आप खुद समझिए, यहाँ पर प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, ये ऑब्जर्व है, ये हमें कब आता है, जब संगुणन या वियोजन होता है। तो संगुणन और वियोजन के बाद जो मोल की संख्या आएगी वो हमारा प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म होगा, ठीक है। और इसको नीचे में हम लिख देते हैं अनुमानित अनुसंख्य गुणधर्म। अनुमानित अनुसंख्य गुणधर्म क्या होगा, जो संयोजन या वियोजन से पहले आएगा, ठीक है, जब संयोजन और वियोजन नहीं हो रहा होगा तब। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संगुजन, संगुणन या वियोजन के पहले, पहले मोल की संख्या, मोल की संख्या। तो ये तीनों ही रिलेशन आपको याद रखना है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए प्रेक्षित सबसे पहला नंबर का, पहला नंबर आप इसको याद रखेंगे, दूसरा नंबर आप क्या करेंगे इसको याद रखेंगे, और तीसरा नंबर आप इसको याद रखेंगे। देखिए प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म ऑब्जर्व जो हमें आ रहा है, ठीक है, जो हमें आ रहा है नया, नया जो हमें आ रहा है वो है अनुसंख्य, और अनुमानित जो हमें पहले मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अभी बताया था आपको कि अनुसंख्य गुणधर्म के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म से हमें क्या आना चाहिए था, असामान्य मोलर द्रव्यमान आना चाहिए था। प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म से असामान्य मोलर द्रव्यमान आएगा, तो इसको हम नीचे कर दिए। यहाँ अनुमानित अनुसंख्य गुणधर्म से हमको सामान्य मोलर द्रव्यमान आना चाहिए था, तो यहाँ ये नीचे है तो इसको हम ऊपर कर दिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या चीज़, आप लोग जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। चलिए तो ये जब हमें समझ में आ गया तो अब हम बात आगे की करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर इसको कर लेते हैं। देखिए जैसे कि NaCl था हमारे पास, ठीक है, हमने क्या लिया, NaCl लिया। इस NaCl को हमने वाटर में डाला या किसी भी विलायक में डाला तो ये टूट गया किस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब इस चीज़ को देखिएगा कि t बराबर जीरो टाइम पर है ना, जब अभी वियोजन या वियोजन जो है अभी वो शुरू नहीं हुआ है, तो उस समय हमारे पास इसका एक मोल है, तो ये जीरो मोल है, ये जीरो मोल है क्योंकि अभी वियोजन नहीं हुआ है। t बराबर t टाइम पर अब ये जीरो हो गया है ना, 100% इसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, 100% ये क्या हो गए, वियोजित हो गए। तो अब ये एक था तो ये जीरो जीरो था, अब ये एक पूरा का पूरा खत्म हो गया तो ये कितना बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप देखिए I की वैल्यू निकाल कर, तो I की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, उसको छोड़ दीजिए। प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म उसको भी छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। देखिए संगुणन या वियोजन के बाद मोल की संख्या, तो उसके बाद की मोल की संख्या कितनी है, दो है, और पहले एक मोल की संख्या कितनी है, पहले एक था तो ये एक हो जाएगा यानी कि दो हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया, दो गुना हो गया, जो हम लोग पहले एक मोल था हमारे पास, अब क्या हो गया, इसका वैल्यू दो आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि दो गुना हो गया, ठीक है ना। क्या चीज़ दो गुना हो गया, मोल की संख्या दो गुना हो गया, समझ में आ गया। चलिए इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग CaCl2 है हमारा, ठीक है, ये जब टूटेगा हमारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ca2+ + 2Cl-, ये होगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको हम 100% क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि 100% इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो शुरू में t बराबर जीरो टाइम पर इसका एक मोल था, इसका जीरो था, इसका भी जीरो था, लेकिन जब ये वियोजन करना शुरू कर दिया, वियोजन कंप्लीट हो गया, तो इसका अब जीरो मोल बचा, इसका क्या कितना बचा, इसका एक मोल बना, लेकिन इसका दो मोल बना,
उसका कितना मोल बना, 2 मोल बना। आप बोलेंगे 2 क्यों बना, तो देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, 2 × 1 कर दिया। समझ में आ रहा है, देखिए फिर से समझिए, इसके 1 मोल से ये 0 मोल 0 मोल, अब देखिए इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, ठीक है, तो ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या है, इसके 2 एटम है ना, तो कितना हो गया। अब यहाँ से आई का वैल्यू निकाल कर देखिए, तो बाद में मोल की संख्या, तो 2 और 1 3, और पहले मोल की संख्या 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि काम कर सकते हैं। चलिए, तो इस दोनों ही परिस्थिति में आपने क्या देखा, इस दोनों ही परिस्थिति में जो वैल्यू आया, आई का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1 से ज़्यादा आया कि कम आया, दोनों ही परिस्थिति में वैल्यू 1 से ज़्यादा आया, ठीक है, 1 से क्या आया, ज़्यादा आया। किस परिस्थिति में हमने देखा, हमने देखा वियोजन की परिस्थिति में, जब 100% हो रहा हो, हमेशा 100% होगा या नहीं होगा उस चीज़ पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, CH3COH लिया, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, बेंजीन में डाला, तो ये क्या हो गया, CH3COOH के 1 मोल बन गए, ठीक है, ये कितना मोल बन गया, 1 मोल बन गया, पहले 2 मोल था, अब 1 मोल था। इसका आई का वैल्यू निकालिए, तो बाद में मोल की संख्या कितनी है, 1, पहले मोल की संख्या कितनी है, 2, यानी कि 1/2 आ गया, यानी कि आधा हो गया, कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हो गया, आधा हो गया, और इस केस में क्या हो रहा था, डबल हो रहा था, यानी कि इस परिस्थिति में जब भी क्या होगा, वियोजन होगा, तो याद रख लीजिएगा कि आई का वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा, आई का वैल्यू 1 से कम आएगा, और सॉरी संगुणन की परिस्थिति में आई का मान हमेशा 1 से कम आएगा, और वियोजन की स्थिति में आई का मान हमेशा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है वियोजन में, और संगुणन में मोल की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया, तो अब चलिए हम आपको एक जनरल वे में लेकर चल रहे हैं, जहाँ से आप सभी काम को आराम से कर पाएंगे। तो आपको नोट करके ये पॉइंट जो है अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए, कि हम लोग जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला देखे थे मोलिकुलर मास का, तो अब जो वो मोलिकुलर मास आएगा वो क्या होगा, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो उसका निर्णय कौन करेगा, तो उसका निर्णय वॉन्ट ऑफ गुणक करेगा। तो हमको क्या कर देना है, सीधे उस पुराने वाले फॉर्मूला में क्या कर देना है, नया वाला जो आई का वैल्यू आएगा उसको गुना कर देना है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए क्या आपको बता रहा हूँ मैं, तो इसको समझिए, हम लोगों ने निकाला था X1 = लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वाष्प दाब का अवनमन मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर आपको क्या बताया था कि X1 बराबर क्या होता है वहाँ पर, कि P2 नोट, याद कीजिए फॉर्मूले को, याद कीजिए, P2 नोट माइनस P टोटल और अपॉन क्या होता था, P2 नोड, ये फॉर्मूला होता था मोल फ्रैक्शन का। अब क्या कर देना है आपको, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकल करके आया था, लेकिन यदि सही अगर क्या हो जाए, वियोजन और संगुणन हो जाए, तो मान क्या होगा, बढ़ या घट जाएगा, कितने से बढ़े या घटेगा, तो वो आई हमको बताएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, आई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग आई से गुना कर देंगे। उसी तरह 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, है ना, एक हमारा ये था, टीवी था, ये हमारा कितना आता था, तो TV = आता था हमारे पास जो रिलेशन वो था ये KV × M, क्या आता था, KV × M आता था, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि वैल्यू जो है वो बदलेगा, तो हमको क्या करना है, सिर्फ I से गुना कर देना है। उसी तरह Δ TV हो गया, उसी तरह डेल्टा हमारे पास TF था, तो ये क्या निकल करके आता था हमारा, KF × M निकल करके आता था, लेकिन यहाँ पर हमको I से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस I का वैल्यू का मतलब है कितना बढ़ गया कितना घट गया, उससे गुना करेंगे तब हमें एक जो है नॉर्मल हमें पता चलेगा इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया Δ TF। इसके अलावा पाई बराबर, हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर भी क्या हम निकाले थे, CRT निकाले थे, ठीक है, तो इसको भी हम लोग I से गुना कर देंगे, तो हमको नया मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। तो नया मोलर मास निकालने के लिए हमको आई से बॉन्ट ऑफ फैक्टर से सब में क्या कर देना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक जनरल टर्म लेते हैं। जनरल टर्म कहने का मतलब एक जनरल एसोसिएशन और डिसोसिएशन का रोल लेते हैं। देखिए मान के चलिए हमारे पास कोई AB कंपाउंड है, ठीक है, हमारे पास कोई AB क्या है, कंपाउंड है। इस AB का क्या हो गया, इस AB का मान के चलो कि एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन ही मान के चलते हैं, तो ये A+ और B- में क्या हो गया, टूट गया, A+ और B- में टूट गया, ठीक है।
टी टाइम पर मान के चलो कि टी टाइम पर जीरो जब था तो इसका एक मोल था, इसका जीरो मोल था, इसका जीरो मोल था, ठीक है। और टी बराबर टी टाइम पर, टी बराबर टी टाइम पर हम मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है कि जो इस एक में से 100% हम यहाँ पर नहीं मान कर चल रहे हैं, ठीक है। हम एक जनरल ले रहे हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का मतलब क्या चीज़ है? वियोजन की मात्रा, कि कितना वियोजन हो रहा है, कितना वियोजित हो रहा है ना, 100% हो रहा है कि 90% कि 40% कितना हो रहा है, तो वो हमको क्या बताएगा? अल्फ़ा बताएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक था, अब वियोजित कितना हो गया? अल्फ़ा हो गया, तो 1 - अल्फ़ा, एक में से अल्फ़ा क्या कर देंगे? कम कर देंगे, है ना। अगर 100 है, 100 हमारा पूरा का पूरा वियोजित नहीं हो रहा है, 50 ही वियोजित हो रहा है, तो 50 उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये अल्फ़ा हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, एक में से अल्फ़ा ख़त्म हुआ, तो अल्फ़ा ही बना, इधर भी अल्फ़ा बना, इधर भी अल्फ़ा बना। समझ में आ गया? अब चलिए, अब यहाँ से आई का मान आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई का मान क्या होता था? बाद के मोल की संख्या, बाद के मोल की संख्या। तो देखिए, बाद की मोल की संख्या क्या हो जाएगी? अल्फ़ा, अल्फ़ा, और ये भी हमारा आएगा बाद की मोल की संख्या में, टी बराबर टी टाइम पर, है ना। तो ये सारा हमारा आ जाएगा, तो 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास? तो पहले वाला मोल, तो पहले वाला मोल हमारे पास क्या था? 1 था, तो पहले वाला मोल हमारे पास 1 है। तो यहाँ से आप करेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या निकल करके आएगा? देखिए, अल्फ़ा और अल्फ़ा, ये प्लस माइनस वाला तो कट जाएगा, तो क्या निकल कर के आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस 1। देखिए, ये माइनस अल्फ़ा और ये प्लस अल्फ़ा कट गया, तो अल्फ़ा प्लस 1 क्या निकल कर आया? अल्फ़ा प्लस 1, यानी आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1। अब देखिए, ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको क्या करते हैं? हम लोग चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 या 1 प्लस अल्फ़ा आप बोल देंगे, दोनों चलेगा। जैसे देखिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं? जैसे कि आयनिक कंपाउंड हमारा हो गया, आयनिक यौगिक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 100% होता है, पूरी तरह से वो क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट होते हैं। अगर हम एक मोल लेते हैं तो इसका पूरा का पूरा एक मोल ख़त्म हो जाएगा, दो मोल लेते हैं तो पूरा का पूरा दो मोल ख़त्म हो जाएगा, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 100% होगा। तो इस परिस्थिति में देख लीजिए, हम यहाँ पर कुछ काम करके देख लेते हैं। जैसे कि Na प्लस Cl माइनस NaCl का हम लोगों ने लिया था, ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस बना था, ये एक मोल, ये एक मोल, ये एक मोल, ठीक है। तो I का मान बराबर कितना है? यहाँ देखिए, 1 प्लस अल्फ़ा है, ठीक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? अल्फ़ा का मान हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 लिया और पूरा का पूरा क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, 100% यहाँ पर डिसोसिएट हो गया, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना, एक और एक दो निकल करके आया। अब उससे भी देख लीजिए, इससे पहले जो हमने निकाला था कि बाद के मोल की संख्या, तो 1 + 1 2, और पहले की मोल की संख्या 1 = 2 आ गया, सही है हमारा, ये रिलेशन सही बैठ रहा है। अब देखिए, एक ये वाला हम देख लेते हैं, MgCl2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये Mg2+ और 2Cl- बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, I की वैल्यू हम दोनों तरीके से देख लेते हैं, बाद में मोल की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3, और पहले मोल की संख्या 1 है, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस फॉर्मूला पर भी देख लेते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस 1, तो 1 + अल्फ़ा, तो 1 लिख दिए। अल्फ़ा तो हमारा क्या होगा इस केस में, बताइए, अल्फ़ा इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? तो अल्फ़ा तो 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो 1 ही होगा, क्या होगा? अल्फ़ा तो 1 ही होगा, तो आप यहाँ पर 1 लिखकर गलती कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं लिखना है। यहाँ पर कैसे करना है, इस चीज़ को देखिए, देखिए यहाँ पर, देखिए इसको हम, ये तो आ गया, अब देखिए दूसरे तरीका से हम कर सकते हैं। देखिए, ये अल्फ़ा टूट रहा है, ठीक है ना, चलिए इसका एक मोल है, ये यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब देखिए, ये एक का एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक का एक जो है ख़त्म हो जाएगा, मान के चलिए कि 1 - अल्फ़ा ले लेते हैं इसको, ये 1 - अल्फ़ा है हमारा, ये कितना है हमारा? ये अल्फ़ा टूट रहा है, तो अल्फ़ा बनेगा, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो हमने कैसे निकाला यहाँ पर? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस सबको जोड़ दीजिए आप, सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है, 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा अपन क्या हो जाएगा? पहले कितना मोल था? 1 मोल था, बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कट जाएगा, तो 2 और 1, 1 + 2 अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 1 + 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 + अल्फ़ा का मान क्या होता है? 1 होता है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फ़ा का मान 1 होता है, तो 2 * 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
आप जिस भी तरीके से निकालिए, आपको आप पूरा का पूरा प्रोसेस करके चलिए तब भी यही आएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये फॉर्मूला जो है वो हर एक जगह क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो 100% डिसोसिएशन के लिए हमें क्या करना होगा, ये कंडीशन अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, एसोसिएशन वाला, ठीक है ना, एसोसिएशन वाला कंडीशन देखते हैं। चलिए एसोसिएशन देखने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखा था, जिसमें क्या हुआ वहाँ पर कि 100% क्या हो जाता था कि डिसोसिएट हो जाता था। अब एक जो तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी देख लेते हैं, किसके बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ये तो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, यानी अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू 100%, ठीक है, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। यानी यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आएगी, किसकी बात आएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात आएगी। तो एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए CH3COH, ठीक है, इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो CH3COO- + H+, ठीक है। यहाँ पर टी बराबर जीरो टाइम पर देखिए, इसका एक मोल है, इसका जीरो है, इसका जीरो है, ठीक है, इसका एक मोल है, इसका जीरो है, इसका जीरो है, ठीक है। चलिए इसको 100 मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है, इसको 100 मान लेते हैं, इसका जीरो है, जिसका जीरो है। अब टी बराबर टी टाइम पर देखिए 100 में से क्या हो गया कि मान के चलिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50 है ना, 50% ये डिसोसिएट हो रहा है, तो ये 50 हो रहा है तो बनेगा भी ये 50 और ये भी 50 बनेगा। तो यहाँ पर आई का मान आप निकाल कर देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 - 50 + 50 + 50, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, और बटे में पहले कितना था हमारा, 100 था, ठीक है ना, हमने लिया कितना था तो 100 लिया था, इस चीज़ को भी याद रखना है हमें। तो कितना हो जाएगा, ये आपको 150/100 हो जाएगा, यानी कि ये आपको हो जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा, ये आपको 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये निकल कर आ गया 1.5, ठीक है। अब अल्फ़ा देखिए, अल्फ़ा हमारा कितना है, 50 है। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकल करके आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अल्फ़ा का वैल्यू निकल करके हमको कितना, अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितना था और कितना डिसोसिएट हुआ, 50 डिसोसिएट हुआ, तो कितना हो गया, 1/2, यानी कि 0.5 हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए उस रिलेशन को भी हम पुट करके देखते हैं कि i इज इक्वल टू 1 + α वाला हम देखते हैं रख करके, तो ये होता है कि नहीं हमारा, देखिए तो यहाँ पर 1 + α कितना है हमारा, 0.5 है, तो यहाँ 0.5 रख दीजिए तो 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो हमको i कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, यानी ये जो हमने निकाला था 1 + α वाला रूल, ठीक है, ये हमेशा हमेशा क्या होगा हमारा, सही होगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, हमें 100% डिसोसिएट नहीं होगा, हमें दिया हुआ रहेगा कि कितना हो रहा है, तो हम मान कर चल रहे हैं इस टाइम 50 हो रहा है। तो इस परिस्थिति में देखिए कि डिसोसिएशन क्या हो रहा है आपको, वे 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो अभी बताया था आपको मैंने कि डिसोसिएशन के केस में हमेशा क्या आएगा, वो 1 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी 3 आया था, ठीक है, वहाँ पर 2 आया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये वेरिएबल होता है। तो डिसोसिएशन के केस में ये भी रूल आपको जो है वो याद रख लेना है, और इस तरह से होगा। अब चलिए एसोसिएशन वाले केस में थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। तो एसोसिएशन वाले केस में हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2CH3 2COH, ठीक है, इसको हम बेंजीन में डाल दिए तो ये डायमेराइज हो गया। डायमेराइज कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया CH3COOH, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए इसको हम पूरा कैलकुलेट करके चलेंगे, है ना, पूरा का पूरा हम लोग करेंगे, कहीं पर छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टी बराबर जीरो टाइम पर देखिए इसका कितना मोल है, 2 मोल है। टी बराबर जीरो टाइम पर ये कितने मोल हैं, 2 मोल है, 2 मोल आपको ये दिख रहा है। चलिए तो 2 मोल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग 100% डिसोसिएशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, 100% डिसोसिएशन देख रहे हैं, है ना, या 100% डिसोसिएशन नहीं देख रहे हैं। दो तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, या तो 100% क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। 100% डिसोसिएट होगा तो हम क्या मानकर चलेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 0 है, और टी बराबर टी टाइम पे ये 0 हो गया, पूरा का पूरा ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये जितना ख़त्म हुआ उतना ही ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, जितना ख़त्म हुआ उतना ही ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए इसको एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी मोल तोल को रहने दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर कि मान के चलते हैं कि टी बराबर जीरो टाइम पे हम मान कर चलते हैं कि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, आपको पहले ही बता दिया है हमने, है ना, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि 100% डिसोसिएशन पर क्या हो जाएगा, 1 + α वाला रूल क्या कर देना है हम लोगों को, सीधा सीधा लगा देना है, ठीक है ना। चलिए
तो 100% डिसोसिएशन वाले केस हम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि 100% से कम डिसोसिएशन हो रहा है। तो टी बराबर जीरो पे मान के चलिए कि डिसोसिएशन अल्फा जो है वो 50% हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास कितने हैं, 100 मोल हैं, हमने 100 लिया यहाँ पर, इसका मोल हमने कितना लिया, 100 लिया, ठीक है, 100 लिया। और ये यहाँ पर कितना है, इस समय जीरो है, ठीक है, इस समय यहाँ पर ये कितना है, जीरो है। टी बराबर टी टाइम में देखिए 100 में से 50 कम हो गया, तो ये बन भी कितना गया, 50 बन गया। ये आप लोग क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, आप क्या करेंगे, 50 टूटा तो आप यहाँ पर 50 बना देंगे, वो नहीं करना है आपको। ये दो मिलकर एक हो रहा है, यानी आधा हो रहा है, तो ये 50 टूटा लेकिन बनेगा कितना, ये सिर्फ 25 बनेगा, बनेगा ना। अब आई यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई निकालेंगे 100 माइनस 50 प्लस 25, और बटे में पहले हमने कितना लिया था, 100 लिया था, कितना लिया था हमने, 100 लिया था, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 100 और माइनस 25 अपॉन 100, ठीक है। 100 में से 50 गया 50, और देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा अपॉन 100, यानी कि ये आ जाएगा आपको 0.75, आ गया ना 0.75। अब अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा तो वही है ना, 100 में हम लोगों ने 50 तोड़ा, तो ये कितना आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस रिलेशन को कि आई और अल्फ़ा हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो इस तरह से आप लोग जो है वांट ऑफ गुणक को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, उससे पहले आपको एक चीज़ करना है कि एक रिवर्स ऑस्मोसिस है, इस टॉपिक को आपको देख लेना है खुद से, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, चलिए बता ही देता हूँ मैं आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ होता है। इस तरह का एक हम क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये प्योर है और ये क्या है, सॉल्यूशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर जाना लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, हमने एक प्रेशर लगा दिया तो ये ऑस्मोसिस क्या हो गया, रुक गया, एक प्रेशर लगा दिया, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑस्मोसिस रुक गया। और यदि और ज़्यादा प्रेशर लगा दिया हमने तो ये उल्टा क्या होने लगा, इधर जाने लगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो किधर आने लगा, वो इधर की ओर ही आने लगा। तो पहले से प्योर सॉल्वेंट है इसमें, और इधर का भी प्योर सॉल्वेंट, इधर का भी सॉल्वेंट हम इसमें भेज रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, वाटर को जब फिल्टर करते हैं तो ये टेक्निक, ये ट्रिक लगाया जाता है, तो आप इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो क्या होने लगे कि वो सॉल्यूशन से, यानी कि कह सकते हैं कि विलयन से या कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से, वो डाइल्यूट की तरफ भी वाटर जो है वो मूव करने लगेगा विपरीत दिशा में, यानी ऑस्मोसिस के विपरीत दिशा में जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगेंगे तो इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके लिए हमें जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तब जाकर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं तब तो ये फ्लो रुक जाता है, ज़्यादा लगा देंगे तो वो इधर से उधर ही जाना शुरू हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा कि प्योर सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो ये सारा प्योर सॉल्वेंट को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और ये यहाँ से यह क्या हो जाएगा, वाटर का प्योरीफिकेशन हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये चैप्टर सॉल्यूशन आपका पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, और आप लोग ज़रूर उस क्लास में जुड़िएगा। थैंक यू, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी।